लोगों को जब सेहत की सुरक्षित के लिए जानकारी जब ज्यादा मिली तो सब लोग उसी के पास आकर खरीदने लगे। वैसे वो अपनी चालाकी से ऑर्गेनिक फार्मिंग करके गोपाल ज्यादा पैसा कमाने लगा। कानपुर नाम के गांव में चरण नाम का किसान रहता था। उसको कविता झांसी नाम की दो पत्नी हुआ करते थे। पहली पत्नी कविता को रघुराम सरिता नाम के दो बच्चे थे। दूसरी पत्नी को जगदीश नाम का एक लड़का था। चरण की दोनों पत्नियां एक ही गली में निवास करते थे। एक बार रघुराम ट्रैक्टर चढ़कर निकलते समय जगदीश जेसीबी ड्राइव करते हुए उसका सामना हुआ। छी, सुबह सुबह इसका ही चेहरा देखना था मुझे। छी छी, अब्बा आया रे बड़ा सेलिब्रिटी चेहरा वाला। जा जा बाजू हट। मैं क्यों बाजू हटू? तमीज से बाजू हट, वरना मैं मेरे जेसीबी से तुझे कुचल डालूंगा। तू क्या मुझे कुचलेगा रे? मेरे ट्रैक्टर से तुझे टकराया ना तो तेरा जेसीबी के पुर्जे पुर्जे हो जाएंगे। आ रे, आ देखते हैं। तू आ रे, देखते हैं। कहकर जब झगड़ा जब जोर से बढ़ने लगा तब चरण वहां पे पहुंचा। रुको रे नालायको, सड़क पे झगड़ने के लिए क्या तुम लोग गली के आवारे गुंडे हो? दोनों भाई हो, भूलो मत, उसे हमेशा याद रखो। मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दिया नालायक। ये कहा मेरा बड़ा भाई है, वेस्ट फेलो है। इसे मेरा भाई कहने के लिए भी मुझे शर्म आती है। नेवले के मुंह जैसा मुंह है उसका। कह के दोनों एक दूसरे को डांटते हुए वहीं रुक गए। तब पिता चरण, अब मुझे रास्ता दोगे या नहीं? तो रघुराम और जगदीश वहां से निकल गए। उस दिन शाम को चरण अपनी पत्नी कविता से, कविता हमारे बच्चों को देखकर डर लग रहा है। मुझे भी बहुत डर लग रहा है जी। हमारी बेटी सरिता को अभी शादी की उम्र हो गई है, उसके लिए पैसे और सोने का भी हमें जुगाड़ करना है जी। हाँ सही कह रही हो, इन दोनों के चक्कर में आके उसके बारे में मैंने ध्यान देना ही भूल गया। कल ही कॉन्ट्रैक्टर के पास जाकर बात करूंगा। अगले दिन वो कॉन्ट्रैक्टर के पास जाकर, साहब हमेशा की तरह कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो करने के लिए दीजिए ना साहब। क्या बोल रहे हैं आप अगर हाँ बोले तो काम का ढेर लगा दूंगा आपके सामने। ठीक है, कल आके मिल लेना। ठीक है साहब, मेरे दो बेटे कल आपसे आकर मिलेंगे, उनसे बात कीजिए, आपका इस उपकार से मेरी बेटी की शादी होगी। कहकर निकल गया। अगले दिन कॉन्ट्रैक्टर के पास रघुराम आकर, सर आपने मुझे बुलाया है, पापा ने आपसे मिलने के लिए कहा। हाँ भाई, यहाँ मैं 20 एकड़ जमीन लीज पे लिया, आपके कॉन्ट्रैक्ट की मदद से ये काम पूरा करना चाहता हूँ। वैसे एक जेसीबी भी मुझे चाहिए। उतने में जगदीश वहाँ पे आया। आओ भाई आओ आओ, तेरे जेसीबी से मुझे बहुत काम है, आके बैठ। जगदीश को देखकर, छी छी, इसके साथ मिलके काम करना है, ये एक वेस्ट फेलो है सर। तू क्या इस देश की तरक्की करने जा रहा है? तू मुझसे भी ज्यादा वेस्ट फेलो है। वैसे इसके साथ मैं क्यों काम करूं साहब? ये रहेगा तो मैं काम नहीं करूंगा। मुझे कौन सा तेरे साथ काम करना है? वैसे तू मुझे क्यों वेस्ट फेलो बोल रहा है रे? हाथ पैर तोड़ दूंगा, खबरदार। मैं क्या कोई चूड़िया पहन के बैठा हूँ? आ रे देखेंगे। कहकर एक दूसरे को मारना शुरू किए। उतने में पिता आया। क्यों भाई, कैसे बच्चे पैदा किया है तूने? इनसे तो गली के गुंडे भी बेहतर है, इनके साथ मैं काम करूंगा? कॉन्ट्रैक्ट नहीं कुछ नहीं, लेकर जा अपने बच्चों को यहाँ से, चल। क्यों रे, अभी मन को तसल्ली मिली? तुम्हारी बहन की शादी के लिए कॉन्ट्रैक्टर से काम के लिए रिक्वेस्ट किया तो हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिला। अभी तुम्हारे झगड़े के वजह से बहन की शादी टूट गई। पापा, बहन की शादी के लिए क्या आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को लिया है? सॉरी पापा। सॉरी मुझे नहीं, उस कॉन्ट्रैक्टर साहब को जाके बोल, हमारे वजह से उनको कितना नुकसान हुआ है मालूम है? तो रघुराम कॉन्ट्रैक्टर से, सर सर सॉरी सर, अनजाने में किया, मेरी बहन बहुत अच्छी है साहब, मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा, कृपया कॉन्ट्रैक्ट हमें दीजिए साहब। तू अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, मुझे जेसीबी ट्रैक्टर दोनों चाहिए। करना है तो दोनों मिलके करो, नहीं तो छोड़ दो। क्या रे, अब किस बात के लिए तू भाव दिखा रहा है? क्या अभी मुझे तेरे पैरों पे गिरना है, माफी मांगना है? आ मेरे छोटे भाई, आ साथ मिलके काम करेंगे। तो जगदीश वो बातें सुनकर, भाई कहकर उसे गले लगाया। भाई, बहन की शादी धूमधाम से रचाई।